किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। ये निगाह मस्ती की मस्तियां, ये निगाह मस्ती की मस्तियां, किसी बदनसीब पे डाल दे। किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज बरोज जुमेरात तकरीबन साल भर के करीब से हम लोग नए बस स्टैंड के पास एक ब्रिज है, वो ब्रिज के नीचे ये बुजुर्गों को देखा करते थे और दो तीन मरतबा उनको मैं यहाँ पर लाकर एडमिट भी करवाया। उसके अलावा हमारे कुछ दोस्तों ने, कुछ साथियों ने भी मुझे वहां से फोन किया कि यार ऐसा ऐसा मसला है, ये बाबा पड़े रहते हैं रोड पे, वही पाखाना करते हैं, वही मतलब टाइमो टाइम इनको कोई खाना भी मिलता नहीं है और ठंडी में अकड़ते हुए पड़े रहते हैं। हमारे कुछ दोस्तों ने लाकर फिर उनको सिविल में मुझे फोन किया, मैंने एम्बुलेंस भेजा और एम्बुलेंस भेज के उनको सिविल बुलवाया और सिविल बुलाकर उनका बाकायदा हम लोगों ने चार पाँच दिन यहाँ पर रखने के बाद इलाज किए। इलाज करने के बाद अल्लाह का बेपना शुक्र हुआ कि आज जुमेरात के दिन हमारे साथियों के साथ मकबूल भाई, हमारे आशिक अली साहब, उसके अलावा हमारे दो बच्चे एक अलीम और एक अब्दुल कादिर और मैं, और एक हम लोगों ने बाकायदा हजाम बुलाकर उनका चेहरा वगैरह बना के, उनके बाल वगैरह बना के उनको अभी नहलाया मगरिब के वक्त में। और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारी बातें उनसे हम लोगों ने की, उन्होंने हमारे से बहुत सारी बातें भी शेयर की। बहुत सारी बातें हम लोगों से शेयर करने के बाद उन्होंने बोला कि यार बेटा मेरे काफ़ी बच्चे भी हैं, चार बच्चे हैं, कुछ लड़कियां हैं, लड़के हैं, लेकिन वो मुझे रखते नहीं है और इसलिए बोले मैं इस तरीके से भटकता रहता। आज सिविल हॉस्पिटल में उनका पूरा इलाज वगैरह करने के बाद, उनको नहलाने के बाद हमने अभी एकदम रेडी किया। रेडी करने के बाद हमारे जो ओल्ड एज होम है, जो अभी कल के दिन उसका इफ्तिताह हुआ हमारे मौलाना शाकिर अली नूरी साहब के हाथों से, अल्लामा कमरुज़्ज़मान खान अज़मी साहब के हाथों से और हमारे तहरीक के निगरा सैयद अमीनुल कादरी साहब के हाथों से, ये ओल्ड एज होम हाजी अब्दुल मजीद बखार वाले साहब और अब्दुल रहमान साहब की मेहनतों से, उनकी कोशिशों से मालेगांव शहर में बना है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस तरीके से ओल्ड एज होम बनाया हाजी अब्दुल मजीद बखार वाला साहब और अब्दुल रहमान साहब ने, ताकि ऐसे लोगों की मदद हो सके। अब हमारे पास जितने भी ऐसे लोग आते हैं इंशाल्लाह हम लोगों को शिविर में उनका इलाज करवा के, नहला धुला के और उनको बाकायदा वहाँ पे ओल्ड एज होम में हम लोग ले जाके एडमिट कर दिया करा करेंगे। थोड़ा सा मैं आप लोगों के गोशुगुजार कुछ बातें और अर्ज करना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर में ये हादसा, ये घटनाएं, इस तरीके के मामला दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनके तो चार बच्चे हैं, दो लड़कियां हैं, बाकायदा बच्चों ने अपने बाप के ऊपर ध्यान देना चाहिए था। हमको उनके बच्चों का नाम उन्होंने हमको बताया है, एड्रेस भी बताया, बच्चों का नाम हम लोग लेना नहीं चाहते और उनकी इज्जत हम लोग उछालना नहीं चाहते मालेगांव शहर में। तो कोशिश ये करें अगर उनके बच्चे इनकी वीडियो देखते होंगे तो कम से कम आए और अपने बाप को साथ में लेके जाए, और अगर वो नहीं लेके जाते तो बाकायदा ओल्ड एज होम का मालेगांव शहर में इफ्तिताह हो चुका है। इंशाल्लाह इनको सिविल हॉस्पिटल से दो दिन इलाज करने के बाद हम लोग ओल्ड एज होम में लेकर जाएंगे और ले जाने के बाद इनको बाकायदा हम लोग एडमिट करेंगे। बाकी बाबा आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, बाबा कुछ बोलेंगे लोगों तक, कुछ मैसेज भेजेंगे आप? क्या आपको बोलो, क्या बोलना चाहते हैं आप? बच्चे अपने वालदैन को ना छोड़ रहे, उनका ख्याल करें, अच्छा उनके साथ अच्छा सलूक करें। अच्छा, और कोई मैसेज देना चाहते हैं आप अपने बच्चों को? तुम्हारे बोलना चाहते बच्चों को चाहते हो क्या तुम? बच्चों को कुछ बोलना चाहते हैं आप? नहीं बोलो ना तुम, मेरे बोल रहे मैं बोलूंगा, काम मत लो आप, लेकिन कुछ मैसेज दो उनको, बच्चे अगर कुछ गलती मुझसे हुई हो तो कोई बात है क्या? गलती हो गई है तो आप माफ करें। अच्छा, तो तुम बच्चों से माफी मांग रहे? नहीं, फिर बच्चों को कुछ मैसेज दो, क्या मैसेज देना चाहते हैं बच्चों को कि आपने उनको बचपने से पाला पोसा बड़ा किया, तो आपके साथ उन्होंने सलूक क्यों किया ऐसा? उनसे पूछो आप बच्चों से। आइंदा हम दुआ करते सबके लिए कि किसी के शहर है, इतने सारे उलमाए किराम है, उलमाए किराम को बोलो कि मेरे शहर वालों को मैसेज दे कि उनके बच्चे उनके माँ बाप के साथ इस तरीके की हरकत ना करे ऐसा। नूरुल हुदा मोहम्मद इब्राहिम, कहाँ रहा तो? फिर अभी घर जाएंगे तुमके? घर जाएंगे? अरे रखिए तो, कुछ चलेगी।
अच्छा रबर नहीं करते ना लाइन से। अच्छा वो उनका सीधा वो बोला थे कम ज्यादा बोला थे बस माँ भाग के चले आओ रखो लाइन से तो मैं कहीं नहीं जाऊँ। अच्छा ठीक है अभी हम लोग रखेंगे फिर है ना हम लोग रखेंगे अभी हमारे पास रहियो ना के पास रहियो तुम लोग के पास नाम बोलो के पास रहियो पूरा नाम बोलो सभी गारंटी करप्शन।